हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित स्मार्ट स्टडी पर। हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो थोड़ा कंफ्यूजिंग रहते हैं बच्चों के लिए, और ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से आप आसानी से सॉल्व करेंगे वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये घातांक और कर्णी का क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये -1/2 की पावर 2 दिया है, फिर इसका होल पावर -2 है, फिर उसका भी होल पावर है -1। हमें कुछ नहीं करना है, जब भी इस तरीके से दिया रहता है तो इन संख्याओं को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जब भी इस तरीके से होगा होल पावर में, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये है -1/2 है, जब आप इसको इधर लाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। तो यहां देखिए 2 है इंटू -2, फिर ये जब 1 इधर आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 में, ठीक है। देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या आ जाएगा हमारा -1/2, और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जब भी पावर सम संख्या होगा, ठीक है, जब भी पावर सम संख्या होता है तो जो इसकी वैल्यू निकलेगी वो प्लस में निकलती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए क्यों ऐसा होता है, देखिए -1/2 है, पावर 4 है, तो यानी कि 4 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यही तो इसका मतलब हुआ, × 1/2 माइनस में 4 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखिए माइनस माइनस ये कट जाएगा और ये माइनस इससे कट जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ये जो है प्लस में चेंज हो जाता है। अब देखिए यहां पे अगर स्क्वायर होता तो सिर्फ ये दो संख्या होती, माइनस माइनस कट जाता तो ये प्लस में आ जाता, बस यही मेरे को बताना था। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर सम संख्या में है तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, उसके बाद 4 बार मल्टीप्लाई है तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, तो यानी कि ये 1/2 क्या आ गया 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/2 का होल पावर है -1/2, ठीक है, ये बराबर है किसके, ये पूछ रहा है। देखिए इसका जो नियम होता है वो है 1/AM = A-M, जब ये ऊपर जाता है, ठीक है, मतलब 1/2 है ना ये, तो जब ये ऊपर जाता है तो इसकी जो पावर होती है वो माइनस में चेंज हो जाती है। अब देखिए a माइनस m है, और इसको हम फिर अगर अपॉन में ला रहे हैं मतलब चेंज कर रहे हैं तो ये जो है a m हो जाता है, मतलब इस तरीके से ये चेंज हो जाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 2 को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो 2/1 हो जाएगा, 1 तो हट जाएगा 2 आ जाएगा, तो उससे क्या होगा ये साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 की पावर यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1/2 को हम अंडर रूट भी तो लिखते हैं, ठीक है, 1/2 को हम अंडर रूट भी लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2 ये जो है अंडर रूट में आ जाएगा, ठीक है, और यही देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को याद रखना जरूरी है, और ये तो मतलब मैक्सिमम लोगों को मालूम ही होगा कि 1/2 चेंज होता है तो ये अंडर रूट में आ जाता है। ये सब बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, बस आपको छोटे छोटे रूल्स मालूम होने चाहिए तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए अंडर रूट, देखिए यहां पे 3 दिया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर 2 की पावर 4 दिया है, उसके अंडर रूट 2 की पावर -5 है, उसके अंदर √2 की पावर 6 है, इसका मान पूछ रहा है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था इससे पहले क्वेश्चन में कि अगर अंडर रूट है तो उसको 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए उसके बाद मतलब ये तो ऑलरेडी 2 को हम ये डिनोट करता है, ठीक है, लेकिन इसके बाद अगर यहां 3 लिखा है तो ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को ये चीज पता होगी, मैंने ऐसे ही आपको यहां बता दिया है। तो देखिए इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो भी आए तो इसमें सबसे पहले पीछे से आप स्टार्ट कीजिए, जैसे कि अंडर रूट ये जो 2 की पावर 6 है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए 2 की पावर 6 है तो 2 की पावर 6 क्या होता है, देखिए अभी हमने पढ़ा था 2 की पावर 4 16 होता है, और 16 2
32 32 64, मतलब 2 की पावर 6 आपका 64 हो जाता है अंडर रूट में। ठीक, अब ये किसका स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो देखिए यहां पे हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि देखिए यहां पे बेस आपका क्या है, 2 है ना, तो हमें यहां पे 2 ही रखना है। तो अगर हम इसको 2 की पावर कुछ लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए बेस यहां पे 2 है, इसकी पावर 3 हो गया, तो यानी कि यहां पर 2 की पावर 4 हो गया अंडर रूट 2 की पावर -5, और यहां पे आपका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। ठीक है, क्योंकि इस पोर्शन को हम लोगों ने यहां पे सॉल्व कर लिया है, जो यहां पे ये निकल गया है। ठीक है, अब देखिए ये जो पोर्शन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको साइड में सॉल्व कर लीजिए या तो यहीं सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए इसका जो बेस है वो कॉमन है अगर, तो यहां पे 2 हम लिख दे रहा हूं, ये देखिए मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, तो यानी कि इसके जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे आपस में। ठीक है, तो -5 + 3, तो देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 2 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, 5 + 3 गया और साइन बड़ा है तो मतलब -2 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर -2 हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 की पावर 4 अंडर रूट, अब ये हमने निकाल दिया कितना, 2 की पावर -2। ठीक है, अब देखिए ये जो 2 है, ये जो स्क्वायर है, और यहां पे जो है ये और ये कट जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ये चीज मालूम होगी, इस चीज को आप यहां पे काट सकते हैं, तो यहां पे क्या बचेगा आपका, यहां पे -1 बचेगा आपका। ठीक है, जब ये कट जाएगा तो -1 बचेगा, इसको आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन ये देखिए माइनस में है इसलिए मैंने यहां पे लिखा है। तो यानी कि हमारे पास क्या आप बच रहा है, ये 3 2 की पावर 4, ये अंडर रूट हट गया है, तो यहां मल्टीप्लाई 2 की पावर -1। ठीक, ये हमारे यहां बच रहा है, इसको जब हम अंदर वाले को सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहां पे ये 4 और ये -1, ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई है तो पावर इनकी प्लस हो जाएगी, तो प्लस होगा, तो देखिए 4 प्लस और -1, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब 2 की पावर क्या आ जाएगी आपको, यहां पे 3 आ जाएगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 की पावर यहां पे हमको 3 आ गई। अब इस ये जो आपको दिख रहा है यहां पे 3 में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए यहां पे मैंने बताया ये 1/3 हम लिख सकते हैं, तो यानी कि ये 3 से, देखिए ये भी तो पावर ही है, अगर यहां पे 3 नहीं होता, मान लीजिए अगर ये अंडर रूट 4 लिखाता, ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, 2 कर देते हैं। ठीक है, सेम वही चीज है, मतलब यहां पे ये पावर के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, ये जो पोर्शन है ये इसके साथ पावर से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां पे 3 3 कट जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा, यहां पे 2 इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए ये यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको यहां पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको इस पर प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप इसको यहां पे सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है हमारा, यदि 4 की पावर x है और वो बराबर है अंडर रूट 2 की पावर 3 y से, तो x की वैल्यू पूछ रहा है, x की वैल्यू कितनी होगी हमें ये बताइए। ठीक है, तो आइए पहले इस चीज को हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अंडर रूट में है ना, तो यहां पे 2 की पावर हम लिख देते हैं 3y है, इस अंडर रूट को हम क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3y/2। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई साइन है, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको अब हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 2 करेंगे वो 4 आता है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, ये बराबर किसके है, इस वैल्यू के, 2 की पावर 3y/2। अब देखिए बेस हमारा क्या हो गया, सेम हो गया, तो बेस सेम हो गया, तो हम अब इसको बेस को हटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2x = 3y/2। ठीक है, अब देखिए इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी कि x = 3y/2। अब देखिए 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3y/4।
अब इसके बाद ये कटेगा नहीं, तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, x इज इक्वल टू 3y/4। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, बस सिंपली जो है उसको आप तोड़ के इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, अंडर रूट 5/3 - √2 का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन हो तो आपको ये जो वैल्यू दी हुई है नीचे की, ठीक है, नीचे की ही वैल्यू लेना, इसको दो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, बस क्या होता है जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे अंडर रूट 5 / 3 - √2 है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वैल्यू से, बस इसका साइन चेंज हो जाएगा, 3 + √2 / 3 + √2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा है, ये देखिए ये a - b और ये a + b, तो a - b और a + b किसका वैल्यू होता है, तो देखिए a² - b² की वैल्यू होती है a - b और a + b। ठीक है, तो बस यही करना है हमको, इन दोनों का स्क्वायर कर देना है और माइनस में कर देना है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या होगा, √2 हट जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको ले लेते हैं ऊपर वाले को, तो देखिए √5 / 3 होगा, क्या होगा, 3 √5 ये हो जाएगा। ठीक, वैल्यू क्या है, इसके बाद प्लस में है √5 और √2 × √5, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और ये √ में आ जाएगा। ठीक, अब नीचे का देख लेते हैं, बोला है कि a² - b² इसको कर दीजिए उसी फॉर्म में, ये यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं इसको, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, माइनस आएगा यहाँ पे देखिए। ठीक, वैसे भी प्लस माइनस माइनस ही होगा, और √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखिए √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये √2 और 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, 2। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 √5 + √10 / 9 - 2 = 7। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस फॉर्मूले से नहीं समझ सक रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, देखिए 3 * 3 = 9 हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए √2 × √2 हम जब करेंगे तो ये √4 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, वही वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे हम स्क्वायर से निकाले। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। छठा क्वेश्चन है, यदि √4 / n है = मतलब बराबर है ये 1024 के, तब n की का मान क्या होगा ये बताइए। ठीक है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, देखिए इसको हमने पहले भी इस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, n की जगह x था, तो इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं, ये देखिए 2 का स्क्वायर और n मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2n, ये √ में आ जाएगा। मतलब क्या है, बेस क्या है हमारा, 2 है। ठीक है, बेस 2 है तो हमें इसका भी बेस 2 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तभी इस क्वेश्चन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसका बेस 2 हम अगर ले रहे हैं तो इसकी कितने पावर हम यहां रखें कि 1024 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पावर यहां पे 10 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 10 की वैल्यू होती है 1024। ठीक, अब देखिए यहां पे मैंने सॉल्व करने का आपको तरीका बताया था, यहां पे 2n है इसकी पावर, मल्टीप्लाई ये √ जो है 1/2 में चेंज हो जाएगा और ये 2 की पावर 10 यहां पे है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 की पावर n = 2 की पावर 10। बेस सेम है, बेस आप हटा दीजिए तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 10, यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सातवां क्वेश्चन है, √7 + √5 / √7 - √5 किसके बराबर है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था नीचे जो है उसको आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे जो वैल्यू है उसको साइन चेंज करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √7 + √5 / √7 - √5 मल्टीप्लाई
अब देखिए साइन चेंज होके यहां पे हम 7 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 7 प्लस अंडर रूट 5, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए किया गया है। ठीक है, देखिए यहां पे हम क्या देख सकते हैं, हमें यहां पे दिख रहा है कि ये जो चीज यहां पे लिखी हुई है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले को बताता है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, और यहां पे क्या निकल जाता है, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, तो देखिए ये ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा हम देख लेते हैं, तो देखिए ये ए प्लस बी, ठीक, तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है, बस इसी फॉर्म में हमें इसको सॉल्व कर देना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 का ये यहां पे होल स्क्वायर हो जा रहा है। अब देखिए इसका यहां पे स्क्वायर होगा 7 का, तो ये 7 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर होगा तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पे इसका स्क्वायर जब होगा 7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी है ना, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा प्लस 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा प्लस 2ab, 2 और ab, तो ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 से 35 अंडर रूट में रहेगा, तो अंडर रूट 35 आ जाएगा, और अपॉन में क्या है हमारा, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए 7 5 कितना होता है 12 प्लस 2 अंडर रूट 35 अपॉन 2। अब देखिए इसको हम 2 से हम काट देंगे, तो देखिए 2 को इससे काटेंगे 6 टाइम में और इससे काटेंगे 1 टाइम्स में, तो क्या हमारा बच रहा है 6 प्लस अंडर रूट 35, यही हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, आठवां क्वेश्चन है, ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 10, ठीक है, ये किसके बराबर होगा ये बताना है हमें, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम इस चीज को यहां पे पिक करेंगे, ठीक है, तो यहां पे हम कुछ चीजें यहां पे हमको देखनी पड़ेंगी, जैसे कि यहां पे एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक। अब देखिए ये जो 2 अंडर रूट 10 है, अगर हम इसको 2 ए बी मान रहे हैं, ठीक है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो हम किस तरीके से यहां पे देखेंगे कि जो दो वैल्यू प्लस हुई है, ठीक है, वही दो वैल्यू मल्टीप्लाई होगी तो यहां 10 आएगा, ठीक है, तो हमें ऐसी दो वैल्यूज लेनी है जो प्लस हो तो 7 हो और मल्टीप्लाई हो तो 10 हो। तो देखिए 4 और 3 हम ले नहीं सकते, देखिए प्लस तो 7 होगा लेकिन मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, लेकिन यहां पे हम क्या ले सकते हैं, 5 और 2 ले सकते हैं, ठीक है, प्लस होगा तो 7 होगा, मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक। लेकिन देखिए अंडर रूट 10 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 2 है, तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये अंडर रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम इसको अगर पुट करते हैं ए स्क्वायर का मतलब क्या है, यहां पे अंडर रूट 5 जो है उसका स्क्वायर की बात हो रही, अंडर रूट 5 का स्क्वायर हम करते हैं प्लस बी स्क्वायर मतलब अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी, 2 और ए बी मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10 अंडर रूट 10, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, ये 5 प्लस अंडर रूट से और 2 कट जाएगा तो ये 2 आ जाएगा और माइनस 2 अंडर रूट 10, ठीक है, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 7 माइनस 2 अंडर रूट 10, ठीक है। देखिए यही चीज है ना यहाँ पे, बस यहाँ पे अंडर रूट अलग से है, ठीक है, सेम ये चीज यहाँ पे है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे ये चीज क्यों आपको बताया हूं, इसको आप इस तरीके से अगर पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए हम इसकी जगह, ठीक है, ये 7 माइनस 2 अंडर रूट 10 है, इसकी जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसी के बराबर तो ये है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 होल स्क्वायर, ठीक है, यही तो इसकी वैल्यू है,
ए माइनस बी की वैल्यू, तो ए हमारा क्या है अंडर रूट फाइव है, बी क्या है अंडर रूट टू है। तो मतलब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो आइए पुटअप करते हैं, ब्रैकेट में अंडर रूट टू प्लस, अब देखिए ये होल अंडर रूट है ये, और यहां पे अंदर है अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जो अंडर रूट है ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या वैल्यू निकल के आएगी, अंडर रूट टू, अब ये प्लस में है प्लस अंडर रूट फाइव, और ये क्या है माइनस में है माइनस अंडर रूट टू। ठीक, अब देखिए ये इसका साइन क्या है, प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा, क्या आपके पास बचेगा अंडर रूट फाइव, ये आपके पास बच रहा है और यही आपका आंसर है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक, ये मैं आपको बताने के लिए बस सिर्फ इस चीज को लिखा हूं यहां पे, इसको समझना जरूरी है, अगर आपको इस तरीके से प्रैक्टिस है तो आप क्वेश्चन देखते ही यहां पे समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है और आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौवां क्वेश्चन है, पांच की पावर सेवन मल्टीप्लाई फाइव की पावर फोर डिवाइडेड बाय फाइव की पावर एट। ठीक है, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई में होता है तो इसके पावर क्या होते हैं, वो एड हो जाते हैं। ठीक है, और जब भी डिवाइड में होगा तो इसके पावर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, ये तो मैक्सिमम लोगों को मालूम ही होगा, बस यहीं पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक, अब देखिए तो ये जो बेस है आपका ये सेम है, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए और इसके पावर को प्लस और माइनस कर दीजिए, तो पावर क्या है सेवन प्लस फोर माइनस एट। ठीक है, तो देखिए ये यहां पे पांच की पावर ग्यारह माइनस आठ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस हो जाएगा तो पांच की पावर क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो फाइव की पावर क्यूब अगर होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है 125 होती है। ठीक है, पांच की पावर क्यूब 125 होती है और ये ऑप्शन आपका डी है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था ये, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए दसवां क्वेश्चन करते हैं। देखिए अंडर रूट फोर अपॉन थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन फोर दिया हुआ है, इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम अंडर रूट फोर अपॉन अंडर रूट थ्री भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, सेम वही चीज है, माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन अंडर रूट फोर। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये अंडर रूट ट्वेल्व आएगा, लेकिन आपको उस तरीके से नहीं लिखना है क्योंकि काटने वोटने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखिए हम इसको किस तरीके से लिख देंगे, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फोर। ठीक, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक है, वही चीज है। अब देखिए आपका ये एलसीएम है तो पहले इसके साथ क्या होगा, डिवाइड होगा और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसके साथ डिवाइड होगा थ्री थ्री अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री कट जाएगा, अंडर रूट फोर बचेगा, अंडर रूट फोर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट फोर इंटू अंडर रूट फोर। ठीक है, साइन क्या है माइनस का है। अब देखिए सेम इसके साथ होगा, अंडर रूट फोर यहाँ डिवाइड होगा कट जाएगा, अंडर रूट थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री। ठीक है, अब देखिए या तो आप इसका देखिए अंडर रूट फोर है टू इंटू टू हो जाएगा, या तो फोर इंटू फोर कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन, अंडर रूट सिक्सटीन, तो अंडर रूट सिक्सटीन की वैल्यू क्या आती है फोर होती है, तो कुल मिला के यहाँ पे आपका फोर आ जाएगा। ठीक, माइनस देखिए अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री है तो देखिए ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट नाइन हो जाएगा, तो अंडर रूट नाइन किसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री की हो जाएगी। ठीक है, तो ये माइनस में यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ठीक, नीचे हम देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फोर, तो हम ये अंडर रूट फोर जो है इसको टू लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, तो यानी कि ये क्या आ गया टू इंटू अंडर रूट थ्री, मतलब टू अंडर रूट थ्री। ठीक है, देखिए फोर में थ्री जाएगा तो कितना बचेगा वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, और देखिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।